गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि सुबह मैं बहुत ही लेट उठा हूँ और रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो आपको पता है कि मैं हर दिन टाइम पास करता रहता हूँ खिचड़ी बनाने का। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कल की बारिश के चक्कर में मेरे कमरे की हालत आप लोग देखो कि कितनी बुरी और कितनी खस्ता हो चुकी है। यह देखिए, इधर की साइड पूरा सीलन का हो रखा है, इधर भी सीलन हो रखी है, इधर से पानी टपक रहा था रात को, और इधर का पूरी छत, यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा ये पानी टपक रहा था। यहाँ देखिए, पूरी छत, पूरी दीवार, पूरी ये गिल्ली हो रखी है। और इसी के चक्कर में मेरा एक नुकसान भी हो गया। पहले तो यहाँ पूरा देखिए, यहाँ पानी हो रखा था, तो यहाँ मेरा नुकसान देखिए एक, ये देखिए, कल रात को मैंने पंखा ये लगाया और पूरी आग से ये जल गया। यहाँ देखिए, अब इसका देखना पड़ेगा कैसा जुगाड़ होगा। तो बहुत ही बेकार स्थिति हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कमरा चेंज किया जाए और सही से कमरा में रह जाए, क्योंकि यार नहीं हो पा रहा है सही से। मतलब कितनी कोशिश कर रहा हूँ एडजस्ट होने की, पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर बारिश पड़ रही है तो यहाँ पानी पूरा कमरा छत से टपक रहा है, और अगर धूप है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह देखना पड़ेगा जहाँ खुला खुला हो, कि अगर बारिश की बूंदें ही पड़े तो धूप तो आए कम से कम। यहाँ तो धूप भी आना बंद हो रही है, यहाँ से धूप भी नहीं आती है, तो देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद टाइम होने वाला है कॉलेज जाने का, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद रेडी होता हूँ और फिर कॉलेज चलते हैं। तो गाइस, काशीपुर में देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि आगे दुकानें भी पूरी डूबी पड़ी है, अभी से ज़्यादा, और गाड़ियों की हालत देखिए मेरे कैसी हो रही है, चल तक नहीं पा रही गाड़ियाँ यहाँ, तो इतनी खतरनाक हालत हो रही है। एक बार तभी कहा था मैंने कि सबके सब अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, ऐसे बाहर ना जाएं। तो गाइस, ये देखिए हमारे कॉलेज की हालत, यहाँ पूरा कॉलेज का जो ग्राउंड है ना, पूरा के पूरा डूब चुका है। मतलब ये समझ लो यहाँ से कुछ ग्राउंड का जी तक नहीं दिख रहा है, तो ऐसी हालत हो रही है ग्राउंड की भी। अरे हमारे मनोज भाई इस वीडियो बना रहे हैं बारिश का, और बारिश लगातार चल ही रही है, और बारिश की बूंदें देखिए, तगड़ी बारिश हो रही है। गाइस, कॉलेज से मैं आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि मैं दिन में लंच वगैरह नहीं किया और ना ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, आपने देखा होगा। तो अब मैंने कुछ बनाया है अपने लिए, वो बनाया है मैंने दलिया, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है और इसी को खा रहा हूँ कढ़ाई में। तो ऐसी ज़िंदगी कट रही है मेरी, पर कोई नहीं, चलो अभी खाना बनाना नहीं आता तो धीरे धीरे सीख जाऊँगा। पर एक चीज़ है, खाना बनाना थोड़ा बहुत आता भी है, पर वो मुझे आलस जो है बहुत बुरी चीज़ है, जिस कारण मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ। बट कोई नहीं, धीरे धीरे आलस को ख़त्म करना है, अभी फिलहाल मैं इसे खाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो गाइस, अभी हम लोग गदरपुर के मार्केट में घूम रहे हैं, हमारे साथ मनोज भाई घूम रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मार्केट में सब्ज़ी लेने आए थे, तो सब्जी वब्जी ले लिए और अब कमरे की ओर जाते हैं। तो भाई, मार्केट से मैं आ चुका था और इस वक्त मैं किचन में हूँ, और किचन में मैं बना रहा हूँ खाना, और इस बार थोड़ा अलग सी खिचड़ी बनाऊँगा, पर खिचड़ी ही बनाऊँगा। तो फिलहाल देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए। तो ये है मिस्टर आलू, ये है मिसिस बड़ी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक खिचड़ी बनाऊंगा थोड़ी देर में। ये है छोटे भाई चावल, और ये भाई साहब प्याज, तो इनको कटिंग करके इसके बाद तेल डाल के इसको गर्म करूंगा। फ़िलहाल अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया, मैं सोचा पहले अभी सब्ज़ी काट दूँ। और ये मेरा छोटा मोटा किचन बहुत ही गंदा हो रखा है, क्योंकि सफाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मेरे हाल है, क्यों काम चोरी बोल सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि मैं बहुत काम चोर हूँ। तो चलो फिलहाल अभी मैं बातें ना करके काम स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी 9:30 हो चुके हैं, लेट खाना नहीं खाना चाहिए, 10 बज जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी डाइजेस्ट करने में उसको। तो फिलहाल 9:30 बजे से पहले उसे निपटाना भी है, खाना बना बना के साइड करके खाना भी है। चलो लगते हैं काम पर।
तो गाइस ये तो कट कर लिया है मैंने, ये भी अब बड़ी बची हुई है और ये गैस है, इसको चलाता हूँ। और इसको मुझे कहा गया है कि इसको फ्राई करना है, मेरी वाइफ ने कहा है कि इसको फ्राई करना, उसके बाद इसे निकालना और उसके बाद ओह देखो कैसा बनता है। तो गाइस यहाँ देखिए इसने पूरा तेल पी लिया है, बड़ी ने तेल डाला था मैंने भर के इसमें और इसने पूरा तेल पी लिया। अब इसको थोड़ा फ्राई कर रहा हूँ। किसी महान सलाहकार ने सलाह दी थी हमें कि इसको पूरा फ्राई करना, फ्राई करने के बाद ये सही रहेगा थोड़ा, तो इसको फ्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे होप तो अच्छा बने। मुझे लगता है आई थिंक सो हो ही गया है। इसको निकालते हैं बाहर और डालते हैं तेल दोबारा से, फिर बनाते हैं, आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। ये डाल दिया है तेल, फिर डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे आलू, नहीं पहले डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे बड़ी, फिर आलू, फिर नमक मिर्च हल्दी, हल्दी नहीं डालना है, नमक मिर्च डाल के आगे का प्रोसेस देखते रहो। इसके बाद डाला प्याज, खांसी होने के थोड़ा वो फ्राई करते हैं, जल गया हुआ। धुआं हो चुका है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा कमरे का धुआं हो गया और गर्मी देखिए पसीना है पूरा। ये मुझे लगा ब्राउन हो गए हैं ऐसे, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। तुम साथ हो के बाद दो कटोरी पानी, इसे बंद कर दो। जितना बताया था गाइस वो सबको कर दिया है मैंने। अब इसको करते हैं ढक्कन लगा के बंद, तब देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों फिलहाल मैं अभी चूल्हे पे रख के आ चुका हूँ और आगे देखेंगे कैसा बनता है, वो बताऊंगा थोड़ी। फाइनली लेके आ गया हूँ मैं और देखते हैं अब कैसा बना है। अब बताइए कैसा लग रहा है। गाइस देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है और बाकी टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे लग रहा है खिचड़ी हमारी। और ये रेसिपी जिसने बताई है वो मेरी वाइफ है, उस मोटी को बहुत कुछ आता है बनाना, पर जब मेरे पास आएगी तब देखते हैं क्या क्या बनाती है मेरे लिए। फिलहाल चलो उसने बताया है तो अब इसको टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। और मेरी ये हमारी देसी घी जो कि मार्केट से पैक्ड है और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है इसका। तो चलो इसको मैं परोसता हूँ, उसके बाद चख के बताता हूँ कैसा लग रहा है। इसको चखता हूँ कैसे लग रहा है, बिना घी के चखता हूँ पहले, उसके बाद इस घी के साथ मिला के देखूँगा कैसे लग रहा है। नॉट बैड, एक कमी है नमक की जो मैंने कम डाला है इसमें, और मिर्ची भी मसाले भी कम डाले थे, तो ठीक है सही लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करो, लास्ट तक देखा करो, शायद आप लोगों के कुछ ना कुछ दया भाव से हमारा भी भला हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें अपना, इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते हैं आपसे। धन्यवाद।